नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। अब पटना और गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर से बेहतर जांच के लिए अब आपके शहर बरहड़िया में खुल गया डॉक्टर लाल फैथ लैब्स ऑथराइज्ड कलेक्शन सेंटर, तरवारा रोड बरहड़िया गंडक के ठीक सामने, जिसका संचालक है नदीम साहिद उर्फ राजा बाबू, जिसका उद्घाटन किए डॉक्टर जेपी प्रसाद पीएचसी बरहड़िया के प्रभारी, साथ में रहे रियान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नूरुल हक और गरीब हॉस्पिटल के संचालक और 110 बरहड़िया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली। इस पैथलैब में कोरोना का भी जांच होगी। देखिए मेरा रिपोर्ट। इस डॉक्टर लाल पैथलैब में कौन कौन सी बीमारी की जाँच होगी? लाल पैथ का आज उद्घाटन हुआ, हमको बहुत खुशी हुई कि बरहड़िया के लिए यह बहुत ही नया चीज़ है और इससे यहाँ की जनता को बहुत फायदा होगा। ये डॉक्टर नूरलख साहब का देन है, जो है एक लाल पैथोलॉजी लैब जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किए, है ना, इनको बधाई, है ना। और आखिर सर, और सब लैब्स हैं बरहड़िया में, लेकिन और सब में और इस लैब में क्या कुछ फ़र्क होगा? फर्क वही है जो एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर के डॉक्टर में है, हाँ? ये लैब का कुछ बात अलग है, इसका क्वालिटी अलग है। जो रॉ मटेरियल जो होता है, केमिकल्स जो लूजी यूज होता है, ये लोग का अपना क्वालिटी होता है, है ना। ये जो है ऑल ओवर इंडिया में इसका ब्रांचेज है, है ना। और लोकल तो है तो मान लीजिए कि लोकल लोकल ही होता है, और क्या कहें। मैं तो चाहूँगा कि लाल पथ के द्वारा कुछ गरीबों की राहत दी जाए, है ना। अब जहाँ तक पैसे की सवाल है, कम लेने की बात है, अब कोई प्राइवेट लैब है वो कोई अपना मटेरियल नहीं लगावे और 50% में कर दे तो क्वालिटी नहीं मिला उसको। पेशेंट को तो क्वालिटी नहीं मिला, पेशेंट को तो क्वालिटी है चाहिए। हमको टाइफाइड का दवाई लिखते हैं, उसको टाइफाइड प्लस मलेरिया दोनों है, तो जाँच सही होगा तो दोनों पकड़ाएगा, नहीं तो डॉक्टर साहब खराब पट्टी कर दिए कि हम लोग देखते हैं टाइफाइड तो सबको है, जो ही जांच आप लोग जांच करवाइए ना, सब लोग को टाइफाइड निकलेगा। डॉक्टर सर, हाँ सर, मैं डॉक्टर जेपी प्रसाद हुआ, जयप्रकाश प्रसाद, बरहड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर प्रस्थापित हूँ। साहब, पहले से बहुत सारे लैब्स हैं बरहड़िया में, लेकिन लाल पैथ खुला है, कोरोना एक कहर जारी है, कहाँ तक जनता को फायदा हो सकता है इसमें? लाल लैब का जो फायदे होंगे यहाँ पे, वो कोरोना का भी यहाँ पे टेस्ट होगा जी, प्लस जो स्पेशल जो टेस्ट होते हैं जैसे थायराइड है, लिपिड प्रोफाइल है, या CA मार्कर है, या जो भी बड़ी जाँचें हैं वो यहाँ से किया जा सकता है। और इस माध्यम, इस जांच घर के माध्यम से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। जो लोग जाते थे सिवान, पटना या कहीं भी जाके जांच कराते थे, वो जांच यहां से होने होगा। तो क्या लगता है सर कि पहले मुंबई कोलकाता के लिए जांच लिखे जाते थे, क्या बरहड़िया में सैंपल देकर हम लोग आसानी से करा सकते हैं? हाँ, वो इसीलिए इस जाँच का उद्घाटन किया गया और खोला गया है कि ताकि लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, जो बॉम्बे और कलकत्ता चाहे जहां भी लोग भेजता था सैंपल, वो इस लैब के माध्यम से इस जांच को कराया जाएगा और लोगों को लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कोरोना की जांच यहां पर हो जाएगा सर? कोरोना का भी जांच यहां से होगा। अच्छा, आगे के प्लान क्या कुछ होंगे बरहड़िया के लिए? अब बरहड़िया वासियों के लिए प्लान यही मैं कहूँगा इस लैब के संचालक को कि कुछ किफ़ायती दर पे इस जांच को चलाएं जी। और लोगों को घर पे भी जाकर के सैंपल लें और होम कलेक्शन का भी ये सुविधा रखें जी, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग बीमार हैं, कई दिनों से नहीं चल सकते हैं, वो उनका कलेक्शन वहाँ से सैंपल हो जाए, कलेक्ट कर लिया जाए जी। चलिए, शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नूरुल हक, मेडिकल अफसर बरहड़िया। देखिए, ये बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे बरहड़िया मार्केट में, बाज़ार में इस तरह के जो भी सेंटर खुल रहा है, वो बरहड़िया ब्लॉक के या बरहड़िया के इर्द गिर्द के लोगों के लिए बड़ी ही एक उपलब्धि है। क्योंकि आज अगर हमको लाल पैथ से किसी तरह का जांच करना हो तो हमको सिवान गोपालगंज जाना पड़ता था या किसी कलेक्शन सेंटर को देना पड़ता था। यहाँ पर हम आएंगे, उसका एक पर्सनल कलेक्शन सेंटर है और एक जांच घर है, तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो भी जांच करवाना होगा, जो रिपोर्ट लेना होगा, सो ले लेंगे।
तो इस तरह से एक खुशी की बात है कि हमारे बढ़रिया बाज़ार में भी इस तरह का एक सेंटर खुला, जांच घर खुला, जो हम सबको उससे फ़ायदा होगा, अच्छा जांच का रिपोर्टिंग मिलेगा। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, देखा जाए रात हो या दिन हो, हर जगह आप इनॉग्रेशन करने पहुँच रहे हैं, विज़न क्या है आपका? देखिए इनॉग्रेशन करने पहुंच रहे हैं, विज़न हमारा कुछ नहीं, हमारा तो एक ही विज़न होता है कि जाएंगे तो एक पॉकेट मिठाई खाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मकसद है कि उस एक पॉकेट मिठाई के लिए मुझे बुलाया जाता है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो लोगों के दिल में बसते होंगे, उनके मोहब्बत में बसते होंगे, तो हमको बुलाया जाता है। हमारा विज़न तो एक ही है कि हम जाएंगे तो एक पॉकेट मिठाई खाएंगे। क्या लगता है कि आप अपने जिंदगी समर्पित कर दिए समस्याओं में लेकर बात? अब तो पूरा जिंदगी सबका समाज के लिए समर्पित होता है। अब अपनी अपनी सोच और अपना अपना विचार होता है, व्यवहार होता है, जीने का तरीका होता है, जो डिफरेंट टाइप से होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जीवन उसका समाज के लिए समर्पित होता है। लेकिन आप तो औपचारिक ऐलान करते हैं। तो औपचारिक ऐलान क्या करते हैं, ये बात सत्य है कि हाँ हमारा जीवन समाज के लिए समर्पित है। जीना जिस समय पैदा होता है उस समय समाज ही लेकर के ढोता है ना हमको, जिस समय मैं पैदा होता हूँ उस समय समाज ही मुझे पालता पोसता है, क्योंकि एक इंसान ही ऐसा जीव है जो पैदा होने के बाद अपने कदमों पर नहीं चल पाता है, उसकी सेवा और उसकी पालन पोषण के लिए कम से कम 2 साल का समय चाहिए, और मरने के बाद भी उसे समाज ही उठा करके उसका अंतिम जो होना होता है करता है। तो समाज में ही सबको रहना है, हर एक व्यक्ति समाज में ही रहता है, पैदा होता है और मरता है, और अगर हम अच्छे कर्मों को करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको समाज से मिलता है। हम कोशिश करते हैं समाज से इसका लाभ लेना। सवाल ये एक होगा कि आप गरीब हॉस्पिटल के संस्थापक भी हैं, क्या लगता है लाल पैथ जो लैब खुला है यहाँ पर, कलेक्शन खुला, गरीबों को सहूलियत मिल पाएगा यहाँ से? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, जो भी सेंटर है आखिर ये गरीबों का सेवा नहीं करेंगे तो इनको बम्बे में होना चाहिए, मुंबई में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, सिवान में होना चाहिए, गोपालगंज में होना चाहिए, यहाँ बढ़रिया में जो भी सेंटर है वो एकदम आप 100% ये बात मान के चलिए कि गरीबों का ही सेवा करता है, यहाँ कोई कमाई और आमदनी नहीं करता है, यहाँ सेवा ही होता है। अब जिसकी भावनाएं जैसी हो वो अलग बात हुई, लेकिन सत्यता यही है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो भी संस्था है या जो भी दुकान है उसको भी मैं मानता हूँ कि वो हर एक चीज़ यहाँ के रेंज में रखते हैं और बिजनेस करते हैं, चलाते हैं। हम लोग भी यहाँ के रेंज में रहते हैं और अपना बिजनेस करें या सेवा करें रेंज में ही रह करके करते हैं।